जब 11,000 फीट पे प्रधानमंत्री गए हैं, चीन तकलीफ में आ गया, तो चीन को मैसेज कैसे नहीं था? अच्छा होता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गालवान घाटी जाते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैंगोंग सौ लेक जाते, प्रधानमंत्री काश वहां का रुख करते। हमारा भारतीय मेनस्ट्रीम मीडिया कुछ ही मुद्दों को उठाकर उन पर डिबेट करता है, जिसमें वह या तो विपक्ष को निशाना बनाता है या पाकिस्तान को या हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाता है। पर अगर बात करें आजाद मीडिया की, तो वह जनता के मुद्दे भी उठाता है और अन्य मुद्दे भी, पर दोनों तरफ की मीडिया में सवाल पूछने में एक अंतर सा दिखाई देता है। आज हम उसी अंतर की बात करेंगे। पहले बात करते हैं न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन की। अमीश सरकार के नेता से सवाल करते हैं, पर काफी कम मौकों पर। पहले देखते हैं कि अमीश ने अपने पिछले 5 डिबेट्स में किन मुद्दों को उठाया और किन लोगों से सवाल पूछे। पहला, पीएम मोदी का लेह दौरा, देश का सीना चौड़ा, 56 इंच वाला संदेश। दूसरा, बंगले से बेदखल होने पर भड़की कांग्रेस, सियासत घर घर की। तीसरा, चाइना दे धोखा, पाक ढूंढे मौका, चीन के टुकड़ों पर पले इमरान, आंख दिखाने चला पाकिस्तान। चौथा, मोदी के विरोध में अकेली पड़ी कांग्रेस, चाइना के होश ठिकाने कांग्रेस क्यों नहीं माने। और पांचवा, मोदी शाह का डर हुर्रियत कांपे थर थर, अलगाववाद के आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक। न्यूज 18 पर एक डिबेट में प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख दौरे को लेकर अमीश ने कांग्रेस नेता से सवाल पूछे। अगर चीन का नाम नहीं लिया तो चीन का विदेश मंत्रालय समझ क्यों गया? चीन का विदेश मंत्रालय क्यों बोला कि अगर हमें कोई गुस्सा नहीं है? नहीं, सुनिए, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ। चीन का अगर कोई गुस्सा नहीं है हमारी सीमा में, हमें धोखे हो रहा है। अगर हमारे चीन हमारी सेना हमारी सरहद में कोई गुस्सा नहीं है तो चीन दुश्मन कैसे हुआ? आप बोल रहे हैं अगर हमारी सरहद में गुस्सा ही नहीं है तो कैसे बोल? ओके रोहन, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपको क्यों लग रहा कि ये चीन को मैसेज नहीं था? जब 11,000 फीट पे प्रधानमंत्री गए हैं, चीन तकलीफ में आ गया, तो चीन को मैसेज कैसे नहीं था? और जो राहुल गांधी ने ट्वीट करा, बीजेपी ने उसका भी भंडाफोड़ कर दिया कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो बोल रहे हैं। सुनिए अमीश भाई, आप इतना लंबा सवाल पूछेंगे तो जवाब कब दूंगा? सर, मेरा कितना लंबा सवाल होगा ये तो आप निर्धारित नहीं करेंगे ना? जो है कि आपका जो चीन यहाँ पर सैटेलाइट इमेजेस कर, वो अब हमारी जमीन नहीं है, इसका तो यही मतलब हुआ अमीश जी? ये तो हम सहन नहीं होने देंगे सर। जमीन भारत माता की, एक भी कदम, 10 सेकंड में ये सवाल, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आज जब प्रधानमंत्री लेह में थे तो शर्म आनी चाहिए, ये ट्वीट करना कितना जरूरी था, क्यों जरूरी था? जब आप प्रधानमंत्री सेना को मैसेज दे रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे, ये कहना क्यों जरूरी था कि हमारी जमीन चीन के कब्जे में है? अमीश भाई जी, आप ही से सवाल है। सुनिए, दो चीजें थी जब चीन ने, सुनिए, अमीश देवगन के डिबेट के मुद्दे या विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं या फिर पाकिस्तान को। अमीश ज्यादातर अपनी डिबेट इन्हीं मुद्दों पर करते हैं। आज की डिबेट ऐतिहासिक होगी, जिस बात पर शरद पवार, मायावती, उद्धव ठाकरे, नवीन बाबू यानी नवीन पटनायक, यहाँ तक कि ममता बनर्जी जैसे नेताओं को पूरा यकीन है, आखिर उसे लेकर कांग्रेस क्यों उल्टी गंगा बहा रही है? राहुल गांधी ने पहले कहा पीएम मोदी छुप रहे हैं, फिर कहा पीएम मोदी डरे हुए हैं, चीन ने हमारी जमीन को कब्जा लिया है और उस पर कब्जा कर लिया है, और आज करीब 15वीं बार उन्होंने कहा कि चीन के सैनिक 4 जगहों पर लद्दाख में कब्जा कर चुके हैं। ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि लगभग पूरा विपक्ष इस वक्त मजबूती से मोदी सरकार के साथ खड़ा है। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल समेत दुनिया के तमाम बड़े देश भी मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, भारत को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद पूरा का पूरा गांधी परिवार ये साबित करने में लगा है कि चीन पर मोदी सरकार फेल हो गई है, और सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, छुपे हुए हैं। अब बात करते हैं दूसरी तरफ के असल मीडिया की, जो सरकार से बिना डरे पिछले काफी समय से सवाल करता आ रहा है। आज बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा की। अभिसार अपने शो के जरिए जनता के मुद्दे उठाते हैं और सरकार की गलत नीतियों की आलोचना भी करते हैं। आइए देखते हैं कि अभिसार ने पिछले 5 डिबेट किन मुद्दों पर किए और उन्होंने सवाल किससे किए। पहला, यूपी में पुलिस भी असुरक्षित और लद्दाख में मोदी। दूसरा, रामदेव पलटे क्यों, जवाब मांगा जाएगा। तीसरा, मुद्दे से मत भटकिए संबित। चौथा, चीन पर मोदी की खामोशी, बिहार चुनाव पर निगाह। पांचवा, चीन की बजाय विपक्ष की तरफ आंख क्यों बीजेपी। अभिसार ने HW News Network पर
अपने शो पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की सराहना तो की, पर कुछ सवाल भी किए और हो रही राजनीति के बारे में भी बताया। तो कम से कम अब मोदी सरकार इसे एक समस्या मान रही है, क्योंकि देखिए अगर कुछ मुद्दा ही नहीं होता तो प्रधानमंत्री वहां का क्यों रुख करते। मगर जैसे कि अक्सर गोदी मीडिया हर चीज को एक मास्टर स्ट्रोक बताती है और हर चीज को एक स्पिन देती है, आप इस तस्वीर पर गौर कीजिए। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं हमारे वीर जवानों को। गोदी मीडिया क्या कह रहा है या तमाम पत्रकार गण क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक दुर्गम इलाके में पहुंचे जिसका नाम है निमू। आपकी स्क्रीन पर देखिए, जैसे आप निमू टाइप करते हैं तो आपको बाकायदा पूरी लिस्ट मिल जाती है निमू जो है उसके क्या मायने हैं। मैं अपील करना चाहूंगा और अच्छा होता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गालवान घाटी जाते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैंगोंग सॉ लेक जाते जहां पर थ्री इडियट्स फिल्म की शूटिंग हुई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाते तो एक कड़ा संदेश जाता कि ऑल इज वेल। जो पूरा प्रचार चल रहा है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है वो सरासर झूठ है। प्रधानमंत्री काश वहां का रुख करते। वहीं अभिसार ने संबित पात्रा के एक ट्वीट को लेकर भी आलोचना की और संबित द्वारा की गई राजनीति के बारे में भी बताया। भारतीय जनता पार्टी के लिए, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के लिए कोई हदें नहीं है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, और उसकी एक आदर्श मिसाल है ये महोदय संबित पात्रा। इन्होंने एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया और वो बयान दिया तो दिया, न्यूज चैनल्स ने उनके बयानों को अच्छे से उछाला, उसे राष्ट्रवादी बनाम पाकिस्तान बना डाला उस पूरे मुद्दे को। एक 3 साल का बच्चा अपने दादाजी की छाती पर बैठा हुआ था। संबित पात्रा ने इस तस्वीर को उठाकर एक ट्वीट किया, पुलिट्जर लवर्स। ऐसा वो क्यों कह रहे थे, क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के रहने वाले 3 फोटोग्राफर्स को पुलिट्जर ने सम्मानित किया था। एक बच्चा जो अपने दादा की छाती पर बैठा हुआ है, मृत दादा की छाती पर बैठा हुआ है, उस पर आप एक उसका आप राजनीतिक इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं। संबित पात्रा ने उस पूरे मुद्दे को बीजेपी वर्सेस पाकिस्तान बना दिया। आपने दोनों तरफ के मीडिया को देखा, सवाल तो सत्ता से ही होगा और होता रहेगा, चाहे सत्ता में बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की या किसी और पार्टी की। हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारा गोदी मीडिया भी सत्ता में बैठी पार्टी से उनकी कमियों पर सवाल करेगा और जनता के असल मुद्दे उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।